तो हे गाइस, आज के समय में हम सीखेंगे कि सोल्डरिंग आयरन का कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास 25 वाट का एक सोल्डरिंग आयरन, ये थोड़ा पुराना हो चुका है, मैं जल्दी लेने वाला हूँ। तो गाइस ये आपको मार्केट में 100 या फिर 80 रुपये का मिल जाएगा। तो आपको इसके साथ साथ एक आपको सोल्डरिंग पेस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देखो 18 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। एंड एक आपको चाहिए सोल्डरिंग आयरन, यहाँ पर का सोल्डरिंग आयरन का वायर था सॉरी। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 220 वोल्ट में लगाना है। तो चलिए मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर पावर दे दी है, यहाँ पर लाइट भी ग्लो हो रही है। अभी हम इसको थोड़ी देर तक वेट करते हैं, ये गर्म कब होती है। तो गाइस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा कार्बन है। वो यहाँ पर आप जो घिसने वाला पेपर होता है उसको साफ करना, फिर आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अभी हम लेंगे यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा और देखेंगे ये मेल्ट होती है या फिर भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम इसके ऊपर स्पीकर के ऊपर इसके ऊपर सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो स्पीकर के ऊपर जब भी आप सोल्डरिंग करोगे तभी आपको इस वायर को छील लेना है और इसके अंदर डुबोना है। तो चलिए मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको इसे इस टाइप से डुबोना है ताकि अच्छे से पकड़ ले सके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिए। अभी हमें थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ने वाली, तो अभी हम इसको यहाँ पर लेंगे एंड इसको इसे होल्ड करेंगे। यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ से वर्क करती है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं लगा रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ ले रही है। तो भाई यहाँ पर देखो इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी पकड़ ले ली है, ये निकलना है यहाँ से टूट सकता है। सो गाइज यही कुछ थी बातें। तो आप भी ऐसे सोल्डरिंग कर सकते हो, वो तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताना, इसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बाय।